नेक्स्ट कॉलर गुरप्रीत सिंह, स्वागत है आपका। हेलो हाँ जी बोलिए। मैम, मैं पूछना चाहती थी। मेरी उम्र ना 30 साल है। मेरी शादी को 2 3 2.5 साल हो गए हैं। मुझे ना ओवेरियन सिस्ट की प्रॉब्लम है। जी ठीक है। अच्छा देखिए, जितने भी बच्चियाँ होती हैं उनको ये सिस्ट होती है ज़्यादातर को, और इससे कोई घबराने की बात नहीं। शादी आपकी हो गई है, कल को भगवान आपको औलाद भी देगा, और हमारे अनुभव में ये बात खूब अच्छी तरह आ चुकी है कि जब हम साहिब औलाद होते हैं, यानी जब हमारे बच्चा होता है, उसके बाद ये सिस्ट कहाँ गई, डॉक्टर खुद ही ढूंढते रह जाते हैं। तो अभी इसका ऑपरेशन मत कराना, एक बच्चा होने दीजिए। बच्चा होने के बाद अक्सर ये गायब हो जाते हैं, और मेरी बात पे आप अमल करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा मुमकिन है। जी, मुंबई से नेक्स्ट कॉलर है प्रिया, स्वागत है आपका। हाँ मैडम, मेरी मम्मा है। उनको ना गैस का बहुत तकलीफ है, मतलब बहुत ही कितने फर्टिलिटी सालों इतना बढ़, से? कितना सालों में, 5 6 सालों से उनका मतलब पेट भी साफ नहीं होता है, वो पेट बढ़ते ही जा रहा है। एज क्या है? एज उनका 49 है, 48 49 आएगा। हाँ बेटा, ये समस्या हर घर की है, और इसके लिए नुस्खा भी एक बहुत अच्छा है। जो लोग लिख लेते हैं उनको बड़ा काम आता है, जो लिखते नहीं हैं उनको याद कुछ रहता नहीं, फिर उल्टा पलटा बना के नुकसान भी कर सकते हैं। तो आप लिख रहे हैं तो मैं बोलना शुरू करूं। सौंफ 200 ग्राम, मेथी का दाना 200 ग्राम, आंवला सूखा हुआ 200 ग्राम, और धनिया 200 ग्राम, इन सबको रखें। और एक चीज़ मिलेगी बाहर से, वो है रसायन जैतून। जैतून का रसायन कहते हैं, नमक जैतून भी कहते हैं आसान भाषा में, और इंग्लिश में एस्टेक जैतून कहते हैं। ये सफ़ेद किस्म का एक नमक जैसा दिखने वाला पदार्थ है, जिसे रसायन जैतून या नमक जैतून कहते हैं। ये जायके में नमकीन नहीं होता, लेकिन नमक जैतून इसे कहते हैं। इसको 150 ग्राम इसे मिलाकर पाउडर बनाएं, और 1 चम्मच सुबह खाली पेट, 1 रात को सोते समय ज़रूर खिलाया करें पानी के साथ। आपकी मम्मी को फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, अगली कॉलर हल्द्वानी से हैं रजनी, स्वागत है आपका। हेलो हेलो। जी, हाँ जी बोलिए। हेलो मैम, नमस्ते। नमस्कार। मैम मैं रजनी वोरा बोल रही हूँ। जी मैम, मेरा थोड़ा सा ना वेट ज्यादा हो गया था, मोटापा। कितना वेट है आपकी? एज कितनी है? 68 68 वेट है या आपकी एज है? 68 मेरा वेट है मैम। और एज? एज मेरी 25। ओके। हाँ देखिए, दवाओं से भी आदमी ठीक होता है, लेकिन मैं अक्सर कहता हूँ बच्चियों से कि अपने दिन में 1 घंटा भाग दौड़ का टाइम निकालिए। कोई ऐसा गेम हो, कोई गेम खेल सकते हैं जिसमें बहुत मेहनत हो, भागना दौड़ना हो, तो ये सबसे अच्छा नुस्खा है। बाहर जाएं, वॉक करें और खूब तेज़ भागें, 5 बार गर्म पानी पिएं, ये बहुत सुरक्षित है। इससे आप दुबले पतले हो जाते हैं और सुडौल हो जाते हैं, और बॉडी क्योंकि आपकी ग्रोथ कर रही है तो उससे कोई नुकसान भी नहीं होता। वरना फिर दवाएं भी हैं, मैं एक नुस्खा भी बता देता हूँ, वो बड़ा अच्छा है। जैतून का नमक, रसायन जैतून नाम से एक चीज़ आती है, इसको 2 चुटकी पानी मिलाकर सुबह शाम पीने से भी वज़न कम होता है। कैप्सूल एफ केयर, एफ फॉर फैट, कैप्सूल एफ केयर लेने से भी वज़न कम होना मुमकिन है। लेकिन मेरा आपसे निवेदन यह है कि भाग दौड़ के और थोड़ा खाना कम खाकर, जैसे 4 रोटी खाती हैं तो 2 रोटी खाने लगी, 5 बार गर्म पानी पीजिए और भाग दौड़ के गेम खेलिए, तो आपको फ़ायदा मुमकिन है। जी, चंडीगढ़ से नेक्स्ट कॉलर हैं विनोद जी, स्वागत है आपका। हाँ जी सर, बताइए। मैं चंडीगढ़ से विनोद बोल रहा हूँ। मेरी बेटी है दीपा, इसको सीजोफ्रेनिया है 10 12 साल से।
इसको मतलब एलोपैथी दवाइयों से चल रही है, जब नहीं देते हैं तो ये गाड़ियाँ निकालती है, रूम पटांग काम करती है, कोई काम नहीं करती है, इसका बिल्कुल शरीर ढीला पड़ जाता है, क्या किया जाए, कोई अगर इलाज हो तो जी जरूर बताएं। हाँ देखिए, इम्यूनिटी स्ट्रांग कर दीजिए उनकी जितना भी कर सकते हैं, और इसके लिए या तो आप माजून आर केयर लें, माजून आर केयर सुबह शाम एक एक चम्मच गर्म पानी से, और थोड़ा वॉक करने को कहा करें बच्ची को। दूसरा एक नुस्खा है, वो लिख लीजिए। देखिए उन्नाब एक बेर होता है जो ईरानी बेर को उन्नाब कहते हैं, ये बिल्कुल लाल होता है, बड़ा खूबसूरत भी होता है और बहुत जायका खुश जायका होता है। 100 ग्राम उन्नाब और 100 ग्राम अलसी और 100 ग्राम लिसोड़ा, ये आप लें, और 30 ग्राम आपके किचन में पीपलें कहलाती हैं, एक एक डेढ़ इंच की लंबी होती हैं पीपलें, 30 ग्राम इसमें मिलाकर पाउडर बनाएं और एक एक चम्मच सुबह शाम गर्म पानी से खिलाया करें, और ज़्यादातर कोशिश करें बच्ची के गर्म पानी पिया करें, खूब गर्म, जैसे चाय पीते हैं ना गर्म गर्म चुस्कियाँ लेके, ऐसे गर्म पानी खूब गर्म पिया करें तो आपकी बच्ची को फायदा मुमकिन है जी। उत्तराखंड से अगले कॉलर हैं पार्वती जी, स्वागत है आपका। अच्छा, हेलो हेलो बोलिए। हेलो मैम, हमें ना मतलब 2013 से मतलब टाइफाइड था। अब वो टाइफाइड तो मतलब सही हो गया, अब फिर खुद 2 साल पहले फिर पेट परेशानी हो रही थी। पेट की परेशानी? हाँ। क्या परेशानी पेट में? मतलब कुछ भी अगर पानी भी पीती थी तो बार बार मतलब जाना पड़ता था। और मतलब लैटिन होती थी ऐसे मतलब बार बार, और अभी तो मतलब काफी साल से मतलब सफेद पानी की भी परेशानी है। 15 साल एज तो मेरा 30 हो गया। ठीक है। हाँ टाइफाइड ने, दरअसल टाइफाइड आंतों का ही एक रोग है, आंतों में गंदगी या इन्फेक्शन को ही टाइफाइड कहते हैं, जिससे बुखार आता है, जिससे सर्दी लगती है, और वो तो अगर ठीक हो गया तो ठीक है, नहीं तो टाइफाइड का इलाज कराने के बाद फिर जांच करानी चाहिए कि ठीक हो गया कि नहीं। और गौन मोरिंगा लें, सफ़ेद वाला गौन मोरिंगा सफ़ेद, और आधा ग्राम रोज़ाना एक नारियल पानी में मिलाकर कम से कम एक बार, ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार पिया करें, आपको फ़ायदा मुमकिन है जी। यूपी से अगले कॉलर है सुषमा जी, स्वागत है आपका। हाँ हेलो मैडम, नमस्ते। नमस्कार, बताइए सवाल करिए। मेरे भाई का ना किडनी प्रॉब्लम है। किडनी में? हाँ किडनी खराब हो गया, इसके लिए कोई उपाय है? कितने उम्र के भाई हैं और डॉक्टर ने क्या कहा है? डॉक्टर ने जवाब दिया कि इसका है कि मेरा किडनी खराब हो गया है। देखिए अगर बिल्कुल ख़त्म हो गया तो उसका लिए कोई कुछ नहीं कर सकता, अगर कुछ भी गुंजाइश है या कम काम कर रही है, क्रिएटिनिन बढ़ रहा है और गंदगी बढ़ रही किडनी की, तो किडनी भी 2 होती हैं, अगर ज़रा भी गुंजाइश है तो हम कुछ ना कुछ मदद कर सकते हैं। आप उनकी रिपोर्ट हमारे से शेयर कर लें, हमसे व्हाट्सअप ले लें हेल्पलाइन नंबर से, और उस पर शेयर करेंगे तो हम आपको बेहतर मदद कर पाएंगे जी। इंदौर से अगले कॉलर हैं सुशीला जी, स्वागत है आपका। नमस्कार सर जी। जी आदाब सुशीला जी। सर मेरे है ना ये अपन घुटनों के ऊपर हाथ रखते इतने जांघें बहुत दुखती है मेरी हमेशा। मैडम कितनी उम्र है? मेरे बाल भी बहुत झड़ते हैं। आपकी उम्र कितनी है मैम? मेरी 60 साल की। 60 साल, चलो आप हमारी। और बाल इतने झड़ रहे हैं मेरे, और पैर तो जरा सी देर खड़े खड़े कुछ काम करते इतने पैर दुखते, इतने दुखते मेरे कि दर्द की गोली खाए बगैर आराम नहीं पड़ता। सुशीला जी आपके घर में वेस्टर्न टॉयलेट है? नहीं वो नहीं है सर। वैसे ऐसा चलने करने में तकलीफ नहीं है, जैसे खड़े खड़े घर में काम करा, रोटी बनाई, बर्तन धोए खड़े खड़े। आप हमारी बात सुनिए, अगर नहीं है तो लगवा लीजिए,
उसी बाथरूम में एक सीट लग जाती है जिसको वेस्टर्न टॉयलेट कहते हैं, वो कुर्सी वाला होता है। आपके लिए ज़रूरी है, अगर आप चाहते हैं पूरी तौर पर अच्छे हो जाएं तो आप जैसे लोगों के लिए ये कुर्सी वाला बाथरूम बहुत ज़रूरी है, आप लगवा लें। हो सकता है आपको दवा की भी ज़रूरत ना पड़े। दवा के तौर पर आप कैप्सूल टी केयर, टी फॉर टाइगर सुबह शाम लें, और वेस्टर्न टॉयलेट दवा से भी ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। कैप्सूल टी केयर सुबह शाम लें, पानी से या बगैर चर्बी के दूध से। आप यकीन रखें कि आप कुछ दिन देंगे तो आपको रोग मुक्त होना मुमकिन। बिहार से अगले कॉलर हैं अश्विनी जी, स्वागत है आपका। मैं हाँ माजूम आज से अब खा रहा हूँ। हाँ मेरे बहुत कमजोरी है। हाँ माजूम अखरोट भी खा चुके हैं चार बार, और आर के अल भी खाया है, लेकिन इधर एक मेहनत नहीं कर रहे हैं, अपनी बहुत ज्यादा है। हेलो, कितने दिन से खा रहे हैं? जैसे हम सब मिलाकर 10 दवा खा चुके हैं माजूम अखरोट। अच्छा। माजूम आर के अल तो इधर तो एक महीना खत्म हो गया, नहीं ले रहे हैं इधर, लेकिन फिर उसी को मंगा ले, बहुत अपनी बहुत ज्यादा है। क्या समझ रही हैं आप? जी आपको असर अच्छे से हो रहा है या फिर तकलीफ ज्यादा हो रही है? चलते हैं तो अपनी बहुत ज्यादा है तकलीफ। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, चलते हैं तो हाँफते हैं आप। अब मैं समझा तेरे रुखसार पे तिलका, मतलब दौलत हुस्न पे दरबान बिठा रखा है। देखिए उम्र है आपकी और लगातार खाते रहें। गर्म पानी 5 बार पिया करें आप, गर्म पानी 5 बार पिया करें। और बाज़ार में मिलता है एक चीज़ बहुत सस्ती जिसे कहते हैं कलमी शोरा, और ये ले लीजिए 100 ग्राम और एक चुटकी पानी में मिला के एक बार या दो बार रोज़ाना पिया करें, आपको और ज़्यादा फ़ायदा मुमकिन है। पंजाब से अगले कॉलर हैं हरमन कौर, स्वागत है आपका, जल्दी से सवाल कर लीजिए, समय बहुत कम है। जी मैम, जी मुझे ना फैटी लीवर की प्रॉब्लम है मैम। मेरी उम्र 31 ईयर है मैम। मुझे एसिडिटी और फैटी लीवर दोनों है, भूख बहुत कम लगती है और कुछ भी खाती हूँ तो एसिड बन जाता है मैम। ठीक है ठीक है। हाँ बेटे, इतनी सी कम उम्र में आपको ये रोग हो गया है, और एक याद रखें कि एनिमल फैट बिल्कुल छोड़ दें। एनिमल फैट लोग समझते हैं कि मांस में है, मांस में ही नहीं, दूध में भी एनिमल फैट है, घी में भी एनिमल फैट है, और मक्खन में भी एनिमल फैट है। ये एनिमल फैट छोड़ दें, ज़रूरत पड़े तो वेजिटेबल ऑयल खाएं अच्छा सा, और इसके छोड़ने से भी, उबलाव खाने से भी ये मामला ठीक हो सकता है। अच्छा, एक आता है जैतून का नमक जी। इसे रसायन जैतून कहते हैं, आपको लिख लेना चाहिए जैतून का नमक या रसायन जैतून या एस्टेक जैतून। इसको आप 100 ग्राम खरीद लें और 2 चुटकी सुबह 2 चुटकी शाम पानी में मिलाकर पिया करें, इससे आपका ठीक होना मुमकिन है।